Thank you.
सरकार बुलाता है।
गौर फिक्र करें, हमें नहीं लगता कि हमने कोई ऐसा अच्छा अमल किया होगा। हमारी क्या औकात कि हम अल्लाह उसके महबूब का जिक्र इस गुनाहगार जुबान से करें और सुने। क्या है हमारी औकात? नहीं है, लेकिन अल्लाह और उसका महबूब बंदों के दिलों को देखता है। जिसका दिल साफ होता है, जिसका दिल सच्चा होता है, तो शायद उसी के लिए शेर फरमा रहे हैं कि आते हैं जिनको सरकार बताते हैं। तो मिलके कह दीजिए, खुदारा ऐसा ना हो कहीं आज अगर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शादी की महफिलों भी बहुत देख लेते हैं, लेकिन सरकार का जिक्र करता वही है जो अल्लाह के करीब होता है। अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र और महफिलें सिर्फ वही करवाता है जो उसके करीब होता है। अल्लाह उसको अपने प्यारों में चुन लेता है, उसी से ही अपना जिक्र करवाता है और उसी को ही अपनी महफिल में बिठाता है। तो मिलके कह दीजिए, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आका की आमद, दादा की आमद, सुमने की आमद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, बोलो मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, सरकार की आमद, सरदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आका की आमद, दादा की आमद। मरहबा बोलो मरहबा या मुस्तफा, आना बैठना सुनना पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और बच्चे की विलादत की खुशी खुशी मिलाद मनाया जा रहा है। अल्लाह पाक इस बच्चे को सेहत याबी के साथ, खुशनुदी के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और इनके घर को अल्लाह पाक शादोआबाद रखे। Me too.
उनके कर
اور یہ وہ کلام ہے کہ جب اللہ اس کے محبوب نے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائی تو میں نے روضہ اقدس کے سامنے یہ کلام پیش کیا, اور یقیناً آج اس کلام کو اس نیت سے اور اس دعا کے ساتھ پڑھ رہی ہوں کہ جس طرح اللہ پاک نے مجھے اپنے محبوب کی حاضری نصیب فرمائی, آپ سب کے لیے یہی دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے. صرف آگے والی بہنوں کی مجھے آواز آ رہی ہے, پیچھے سے سب شوری کر رہے ہیں. یہ بچوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ بٹھا دے کر آئے ہیں یا جائیں گے, برائے مہربانی تھوڑا سا اس چیز کا خیال کر لیں. کرم کی
सुनिएगा कि शायद इस शेर में क्या कह रहा है कि और जिस वजह से इस दुनिया में आए हैं और अल्लाह और उसके महबूब का खास करम है हम लोगों पर, अल्लाह ने हमें अपने प्यारे में शुमार कर लिया है, हमें अपने प्यारे में शुमार कर दिया है। जब उनकी महफिल को महबूब से जाते हैं और आते ही भी जिनको सरकार बुलाते हैं, आते ही जिनको सरकार बुलाते हैं, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका भी समझा है तो हम यहाँ से झोलियाँ भर के ले जाए, यहाँ से झोलियाँ भर के ले जाए, और जो जो हमारी तमन्नाएं हैं, हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारी दुआएं हैं, हमारी इल्तिजाएं हैं, अल्लाह पाक अपने महबूब के सदके में वो तमाम अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाया है। पर यकीन जहाँ सरकार का जिक्र हो रहा हो और वहाँ दुरूद पढ़ा जाए तो वहाँ दुआ भी कबूल होती है और महफिल भी कबूल होती है, वहाँ महफिल भी कबूल होती है। हदीसी बात में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके 10 गुना माफ फरमा देगा और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देगा।
ये वही अमल है जो अल्लाह ताला खुद कर रहा है, ये वही अमल है जो अल्लाह ताला खुद कर रहा है। तो जब हम वो अमल खुद करेंगे तो अल्लाह हमसे कितना राजा होगा, अल्लाह हमसे कितना खुश होगा कि मेरा बंदा भी वही अमल कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। मेरी बातों को आप सुन रहे हैं? कौन कौन सुन रहा है? किसने सुनी है? सबने सुनी है। बस बार बार मेरी यही रिक्वेस्ट है, बातों से थोड़ा सा गुरेज कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर यहाँ आज बैठे हैं, अल्लाह और उसके महबूब ने अगर आज हमें इस काबिल समझा है तो यहाँ से झोलियाँ भर के ले जाए। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हमसे कोई भी गलती हो जाए और अल्लाह उसका महबूब हमसे नाराज हो जाए। जिस तरह नमाज हमारी इबादत है ना, इसी तरह अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र भी इबादत में शुमार है और इसको इबादत की तरह ही रखते हैं। जिस तरह हम नमाज में बात नहीं कर सकते, इस तरह इसमें भी कोशिश करें बातों से गुरेज करें, ताकि अल्लाह पाक हमारी बख्शिश फरमाए, हमारी मफरत फरमाए। कोई खबर नहीं जिंदगी का, बस अल्लाह से हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह हमसे राजी रहे, अल्लाह का महबूब हमसे राजी रहे। आमीन। मिलके दिल के पास सर झंडा